जय सियाराम दोस्तों, हमने 18 वीडियो संपूर्ण रामायण के बना लिए हैं और अपलोड कर दिए। अब ये 19वां वीडियो है। इसमें जैसे केवट नदी पार कराते हैं और उसके बाद में सबसे पहले भारद्वाज ऋषि के यहाँ जाते हैं श्री राम सीता लक्ष्मण, क्योंकि उनको आगे का मार्ग दर्शन और भारद्वाज ऋषि से ही मिलेगा, यही सोच के वो वहाँ पर जाते हैं कि भाई कहाँ निवास करना चाहिए हमारे लिए, क्या उचित है। तो दर्शन भी हो जाएंगे और आगे मार्गदर्शन भी हो जाएगा कि भाई हमको कहाँ पर रहना ठीक है। तो दोस्तों अभी स्केच किया मैंने भारद्वाज ऋषि के यहाँ पर, राम सीता और लक्ष्मण तीनों गए हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे ज्ञान सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं स्केच दिखाता हूँ भारद्वाज ऋषि के यहाँ पर जो आश्रम में पहुंचे हुए हैं राम सीता लक्ष्मण। यह आश्रम है भारद्वाज ऋषि का और ये राम सीता लक्ष्मण भारद्वाज ऋषि उनके शिष्यगण, और यहाँ पर हवन वगैरह हो रहा है। तो एक ये खाका घीचा है, जैसे स्केच का मतलब ये है कि इसमें हम जो कलरिंग वगैरह करेंगे और जो मिनीचर काम होगा वो अब होगा। ये कम से कम 19वां वीडियो है और काफ़ी स्केच 19 ही वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। ये निषाद राज का है और ये केवट राम जी के चरण धो रहे हैं नदी पार कराते हुए, और ये भारद्वाज ऋषि के यहाँ पर मार्गदर्शन के लिए, ज्ञान के लिए भगवान श्री राम। अब भगवान श्री राम तो भगवान है और भारद्वाज ऋषि भी समझते थे कि भगवान है, पर लौकिक दृष्टि से उनको हर वो काम करना जो कि इंसान को करना चाहिए। तो इसीलिए जब भारद्वाज ऋषि से पूछते हैं कि भाई हम कहाँ निवास करें, तो भारद्वाज ऋषि एक ही बात बोलते हैं कि आप कहाँ नहीं हो, आप तो कण कण में व्याप्त हो, आप जहाँ निवास करोगे वही पवित्र हो जाएगा वहीं पे। तो फिर उन्होंने कहा भाई अगर लौकिक दृष्टि से पूछ रहे हो तो फिर चित्रकूट आप निवास करो। तो चित्रकूट बताते हैं, उसके बाद वो चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। तो अगला जो स्केच होगा वो लाइव होगा, जो सामने जैसे पेंसिल से स्केच करके और फाइनल करूँगा। ये 19 वीडियो में पहले 19 स्केच में बना चुका था और फिर मैंने वीडियो बनाया। तो अब मेरे दिमाग में आया कि कोई ये भी सोच सकता है कि मैंने ट्रेस लिए होगी या कहीं से देख के आइडिया लिया होगा। तो इस चीज़ के लिए, आपकी शंका दूर करने के लिए मैं ये स्केच सामने बनाऊंगा और उसको फाइनल भी सामने करूंगा। तो ये मेरा संकल्प है। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म से जुड़िए, मैं पेंटिंग के जरिए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, और ये 108 पेंटिंग संपूर्ण रामायण जी की ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। तो आप लोगों का साथ जरूर चाहूँगा, और जय श्री राम लिख के मुझे मेरा हौसला अफजाई करिए। आपको कैसे मेरे स्केच लग रहे हैं ये ज़रूर आप कमेंट्स कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म। मिलते हैं हम 20वें वीडियो में, जो कि मैं लाइव बनाऊँगा, स्केच करूँगा आप लोगों के सामने। जय हिंद।